बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम ग्रेट सेवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड मदर्स डे यूनिट 5 सेक्शन नंबर 2 ऑन पेज 99। मदर्स डे रिटन बाय जे बी प्रिस्ले, ये एक प्ले है, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिकली प्ले एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन अ सोसाइटी इन अ फैमिली। इट आल्सो टॉक्स अबाउट द स्टेटस ऑफ मदर इन अ फैमिली, ठीक है। ये प्ले, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक मदर का जो स्टेटस होता है, उसका जो रुतबा होता है, वो फैमिली में किस तरह का होता है और किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये स्टोरी एक प्ले है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्ले में अलग अलग करेक्टर्स हैं। बेसिकली ये प्ले जो है वो रिवॉल्व होता है एक मदर के गिर्द, जिसका नाम है मिसेस पीरसन, ठीक है। तो वो जब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हैं अपनी फैमिली के सामने, तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, ये सब हम इस प्ले में पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द प्ले। हेयर आर द करेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। नंबर वन है मिसेस एनी पीरसन। ये वो लेडी हैं जो हमेशा अपने बच्चों की केयर करती हैं, ठीक है, उनके लिए एफर्ट करती हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है। द सेकेंड करेक्टर इज़ जॉर्ज पीरसन, जो कि इनके हस्बैंड होते हैं। नंबर थर्ड इज़ डोरिस पीरसन, जो कि मिसेस पीरसन की डॉटर है। एंड द फोर्थ इज़ साइरल पीसन, जो कि इनका बेटा है। एंड द लास्ट वन इज़ मिसेस फिट्जेराल्ड, जो मिसेस पीरसन की नेबर हैं, ठीक है। एंड शी इज़ द फॉर्चून टेलर, जो कि मिसेस पीरसन को विजिट करती हैं और उन्हें गाइड करती हैं उनके राइट्स के बारे में। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पीरसन हाउस इन अ लंदन सबर्ब। तो जो सीन है वो पीरसन के घर के लिविंग रूम का है, ठीक है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट सीन उन्होंने हमें बताया हुआ है, वो पीरसन के घर का जो लिविंग रूम है उसके बारे में बता रहे हैं। व्हेन द कर्टन राइजेस, इट इज़ एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज इज़ वेल लिट। तो अब यहाँ पर हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो ये है कि जब कर्टन रेज होगा तो स्टेज कैसा होगा, ठीक है। इट शुड बी वेल लिट, यानी कि बहुत सारी लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम हमें दिखाया जा रहा है वो है आफ्टरनून का टाइम, और जो सीज़न है वो अर्ली ऑटम यानी ऑटम की शुरुआत है। मिसेस पीरसन एंड मिसेस फिट्जेराल्ड आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो दोनों लेडीज़ हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठी हुई हैं, ठीक है, और जो टेबल पर टेबल है उस पर टू कप ऑफ टीज सॉसर्स और फार्चून कार्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। फार्चून कार्ड से वो जो मिसेस पीरसन को फॉर्चून रीड करके बता रही हैं जो दूसरी लेडी हैं, ठीक है। मिसेस पीरसन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज। कि मिसेस पीरसन की अब जो पर्सनैलिटीज है, पर्सनैलिटी उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में, कि वो एक बहुत ही प्लेजेंट वुमेन थी, लेकिन उनके फेस पर हमेशा वरी, हमेशा परेशानी देखने को मिलती थी, ठीक है। वो राउंड अबाउट 40 की थी। एंड मिसेस फिट्जेराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो इसके बदले में, इसके ऑपोजिट जो मिसेस फिट्जेराल्ड थी वो थोड़ी ओल्डर थी, बूढ़ी थी, इनसे एज में बड़ी थी, और देखने में जो है वो हैवी भी थी और स्ट्रॉन्ग भी थी, ठीक है। It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone and Mrs. Fitzgerald with a deep voice. ठीक है, तो
अब हमें यहाँ पे फर्दर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के जो करेक्टर्स हैं, इन दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, यानी कि उनकी आवाज़ें भी बिल्कुल अलग हैं। मिसेस फिटजल जो मिसेस पीरसन की आवाज़ है बहुत ही लाइट है, एंड मिसेस फिटजेराल्ड की जो आवाज़ है बहुत डीप और हार्श है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है, इनकी आपस में बातचीत शुरू होती है। फर्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस फिटजेराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पीरसन, कुड बी अ गुड फॉर्चून, कुड बी अ बैड वन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज। तो इस डायलॉग में मिसेस फिटजेराल्ड जो होती हैं वो कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, जो फॉर्चून कार्ड्स हैं उनको इकट्ठा कर रही होती हैं, और मिसेस पीरसन को कहती हैं कि मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हो सकता है कि आपकी फॉर्चून अच्छी हो, कुड बी अ गुड फॉर्चून और कुड बी अ बैड वन, कि हो सकता है आपकी फॉर्चून अच्छी हो और हो सकता है कि बुरी हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि इसके लिए आपको फैसला करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़, कि ये सब आप पर है कि आप इस बारे में क्या फैसला करती हैं। मिसेस पीरसन, यस थैंक यू मिसेस फिटजेराल्ड, मिसेस पीरसन कहती हैं हाँ आपका बहुत शुक्रिया मिसेस फिटजेराल्ड। अगेन मिसेस फिटजेराल्ड कहती हैं विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पीरसन डियर, पुट योर फुट डाउन वंस एंड फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, ठीक है। पुट योर फुट डाउन, हेयर पुट योर फुट डाउन मीन्स टू फर्म ऑन योर ओन डिसीजंस, यानी कि अगर आपकी फैमिली आपके आपको अपोज करती है, ठीक है, तो भी आपको अपने फैसलों पर कायम रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस फैमिली की, इस घर की मिस्ट्रेस हैं, इस घर की बॉस हैं। मिसेस पीरसन क्या कहती हैं, स्माइलिंग अपोलोजेटिकली। अब मिसेस पीरसन जो है अपोलोजेटिकली मतलब कि फीलिंग सॉरी, और स्माइल करती हैं और कहती हैं कि डैट्स ईजियर सेड देन डन, ये कहना आसान है बट करना मुश्किल है, बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, दे डोंट मीन टू बी। वो आगे से कहती हैं कि ये बोलने में तो आसान है पर करना मुश्किल है। वो कहते हैं मुझे अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो थॉटलेस है, चाहे वो सेल्फिश है, वो मेरे बारे में नहीं सोचते, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, और वो जो कुछ बोल रही होती हैं जब मिसेस फिटजेराल्ड जो है वो उसको इंटरप्ट करती हैं। मिसेस फिटजेराल्ड कटिंग इन मीन्स इंटरप्टिंग हर, मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। मिसेस फिटजेराल्ड उसको कहती हैं कि हो सकता है कि वो जानकर आपके साथ ऐसा करते हैं, जानबूझ के आपके साथ इस तरह का सलूक करते हैं, तो उनके लिए यही बेटर है कि आप उनको समझा दें कि उन्हें आपको ढंग से ट्रीट करना होगा, ठीक है। They learn to treat you properly, कि उनको आपकी जो फैमिली है उनको ढंग से आपको ट्रीट करना होगा। मिसेस पीरसन कहती हैं यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, कि हाँ एक तरह से तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे उन्हें कहना चाहिए कि वो मुझे ठीक से ट्रीट करें। मिसेस फिटजेराल्ड नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, यू थिंक इट डज देम गुड when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out to enjoy themselves. तो मिसेस जो फिटजेराल्ड हैं वो कहती हैं कि इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि आपने अपनी फैमिली को बिगाड़ रखा है, आप सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती हैं, ठीक है। You run after them all the time, सारा दिन जो है वो उनके पीछे घूमती रहती हैं। Take their orders as if you were the servant in the house,
और जो भी ऑर्डर्स वो देते हैं आप वो ऑर्डर मानते हैं जैसे कि आप उस घर के सर्वेंट्स में से हैं, ठीक है। और आप सारी रात हर रात घर पे रहते हैं और वो जो फैमिली है आपकी वो बाहर घूमने जाते हैं और इंजॉय करते हैं, ठीक है। और जो है आप हर टाइम घर पे ही रहते हैं। हस्बैंड्स, सन्स एंड डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट। फर्दर वो कहती हैं कि आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड, सन और जो डॉटर है उन्हें आपको एक वाइफ एज अ मदर, एज अ वाइफ की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, ना कि एक डर्ट के पीस की तरह, ना कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह जिससे वो काम कराते हैं और फिर चले जाते हैं। मिसेस पीर्सन जब ये सुनती हैं तो कहती हैं, मिसेस पीर्सन डाउटफुली, आई सपोज यू आर राइट, कहती हैं कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है। डाउटफुली कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, ठीक है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मुझे अनप्लेजेंटनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ। फिर वो कहते हैं कि बार बार मैं फैसला तो करती हूँ, डिसीजन तो लेती हूँ कि मैं उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बात को शुरू कहाँ से करूँ। फिर क्या होता है, शी ग्लैंसेस एट हर वॉच और एट द क्लॉक। फिर मिसेस पीर्सन जो होती है, जो उनके घर की दीवार पे घड़ी लगी होती है उसकी तरफ देखती हैं। जब देखते हैं तो कहती हैं कि ओ गुडनेस ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली आर इन अ हरी टू गो आउट अगेन। वो देखते हैं और कहते हैं कि ओ गुडनेस ग्रेशियस, टाइम तो देखो सब लोग आने वाले हैं, ठीक है, और मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया, यानी कि घर वाले आने वाले हैं और अभी तक मैंने कुछ भी उनके लिए खाने को तैयार नहीं किया। दे विल बी होम एनी मिनट, वो किसी भी टाइम घर में आते होंगे एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और वो जब घर में आएंगे तो मुझसे खाने को कुछ मांगेंगे क्योंकि उन्होंने फिर से उन्हें कहीं पर बाहर जाना होगा। मिसेस फिट्जेराल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्फ फॉर वंस, दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। तो वो कहती हैं कि उन्हें वेट करने दो या फिर उन्हें खुद की केयर करने दो, यानी कि उन्हें खुद के लिए जो भी खाना पीना है वो बनाने दो। और फिर वो कहती हैं कि दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन, फुट गोज डाउन मीन्स नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, और कि अभी से आपको जो है वो डिसीजन लेना होगा, और वो डिसीजन ये है कि अब आप किसी के लिए कोई काम नहीं करेंगी और वो सब अपना काम खुद से करेंगे। देन मिसेस पीर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस फिट्जेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज योर ट्राइंग टू मेक मी, इफ आई प्रोमिस you I had really have it out with them, I know I would not be able to keep my promise. Then she replied, Fitzgerald replied, then let me do it. तो क्या कहती हैं कि मिसेस पीर्सन जो होती है वो बहुत ही embarrassed फील करती हैं, ठीक है, कि embarrassed किस बात पर embarrassed फील करती हैं, और कहती हैं कि मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा चाहते हैं, ठीक है, आई नो यू मीन वेल, कि मुझे पता है कि आप मेरा बेहतर चाहती हैं, आई एम इन फैक्ट आई एग्री विद यू, और मैं आपसे एग्री भी करती हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकती, एंड इट्स नो यूज योर ट्राइंग टू मेक मी, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, और अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश भी करेंगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। If I promise you, I had really have it
out with them, I know I would not be able to keep my promise. कि अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश भी करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि आई हैड रियली हैव इट आउट विद देम, मीन्स कि इफ़ आई विल डिस्कस दिस थिंग विद देम, कि अगर मैं ये सब कुछ अपने फैमिली के साथ डिस्कस करती हूँ, ये मैटर अगर मैं डिस्कस कर भी लूँ तो मुझे पता है कि मैं अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाऊँगी, और अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी कर लूँ तो भी इसे पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो उसकी जो नेबर होती है कहती है कि ठीक है आप मत करो, मुझे करने दो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पढ़ा है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।